नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कनाश फार्मिंग पे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाइव प्रूफ के साथ में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या फ़ायदा होता है और रासायनिक फार्मिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। तो ये मेरा एक खेत है जो लगभग 2 एकड़ का है और इसमें मैंने मिर्च लगाया है जिसमें 17,000 पौधे लगाए हुए हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो ये 2 बेड है मेरे सामने और ये वाले जो बेड देख रहे हो इस बेड पे जो बेसल डोस है यानी जो अंदर ज़मीन के अंदर ये जो बेड दिख रहे हैं इसके अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला। मैंने तैयार करा था वर्मी कंपोस्ट गर्मी में, उसको डाला था बेसल डोस में। और ये जो देख रहे हो इस बेड पे मैंने डेपी सुपर और पोटास तीनों का मिक्स करके इसके बेसल डोस में डाला था यानी ज़मीन के अंदर डाला था। तो टाइम पीरियड दोनों का सही है, सही टाइम पे पौधे लगाए दोनों के। ये जो पौधा देख रहे हो आप ये पूरा हरा दिख रहा है जैसे देख, और ये जैसे देख रहे हो इसमें पीलापन आ गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो जो बेसल डोस में जो मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट का तरह काम करा और वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है। जैसे कि अब देखो अभी भी इसमें फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, और इसमें भी फल और फूल लगे पर इसने जो न्यूट्रिएंट्स इसको डाला जो भी अंदर खाद डाला वो पूरा ग्रहण कर दिया और उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। जो डेपी सुपर पोटा डाला उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, अब इसमें वापस से मेरे को डेपी सुपर पोटास डालना पड़ेगा। और साथ में इस बार मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट डालूँगा ताकि ये लंबे समय तक हरा रहे। तो दोस्तों ये होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसे बहुत सारे मेरे पास बेड है जिसमें ये मैंने इसका पता मुझे ऐसा चला कि ये मेरे पास पुराने बेड थे यानी यहाँ पर मैंने खरबूजा लगाया था तो यहाँ की मल्चिंग मैंने नहीं हटाई थी तो इसके अंदर मैं बेसल डोस नहीं डाल पाया और यहाँ ये नई मल्चिंग मैंने लगाई थी तो यहाँ पे इसके बेड मल्चिंग हटी तो बेसल डोस के रूप में डेपी सुपर पोटास डाल दिया था। तो इससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है, ये जैसे देख रहे हो आप ये पूरी जितनी भी दिख रही है ये पूरी नई मल्चिंग है। तो यहाँ पे जितना भी न्यूट्रिएंट्स डाला है वो सब पौधे ने ले लिया, अब उसको वापस से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और देखो ये पुरानी मल्चिंग वाला बेड आ गया, यहाँ अलग ही डिफरेंस आ रहा है। ये देखो ये पूरा जितना भी पौधे दिख रहे हैं पूरे हरे भरे हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो पौधे को लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, अगर आप रासायनिक फार्मिंग करते हो तो आपका हर महीने का खर्चा है। तो ये डिफरेंस मुझे दिखा तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बनाया जाए इस पर ताकि जो भी नए भाई फार्मिंग करने का सोच रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाए, रासायनिक फार्मिंग की तरफ कम जाए। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मेरा ये पौधा 60 से 65 दिन का हो गया है और इसमें फ्रूटिंग देखिए, ये देखिए दोस्तों अभी इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि मिर्ची का रेट बहुत कम है। ये देखिए बहुत शानदार फ्रूटिंग तो बहुत शानदार हुई है। आधा खेत में हार्वेस्टिंग हो गई है, आधा जो खेत पूरा बचा हुआ है ये पूरा यहाँ पे पूरी हार्वेस्टिंग करना बाकी है। और ऐसा ही मेरा ये सेकेंड खेत है जो लगभग 2 एकड़ का है। ये 40 दिन की मिर्ची हुई है, यहाँ पे खाद चल रहा है
मैग्नीशियम सल्फेट। ये थोड़ा एक महीने बाद में लगाया था वो वाले पौधे से, इसमें भी बीमारी आने लग गई थी, माइट की प्रॉब्लम, पर अभी रिकवर हो रहा है। ये लगभग 20,000 पौधे हैं। इसमें भी हार्वेस्टिंग करना है, एक हार्वेस्टिंग हो गई है। 40 दिन का पौधा है ये। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी आपके सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।